फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेस्टी हेल्दी रेसिपी, वो भी नाश्ते के लिए। तो गाइस, ये मेथी देख रहे हैं हरी हरी, तो हम इसका पराठा बनाएंगे टेस्टी एंड हेल्दी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हमने आधा किलो मेथी है। सो गाइस, खाली मेथी के ही नहीं, साथ में इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें पनीर एंड साथ में गोभी भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इसका डो लगाना होगा। डो के लिए हमें चाहिए है आधा किलो मेथी, अच्छी बारीक कटी हुई और अच्छे से वॉश की हुई। हमने ये मेथी ले ली है और इसी में हम ले लेंगे, साथ में ले लेंगे 4 से 5 कप हम आटा। इसमें मैंने 1 कप डाला है, 2 3 कप, 3 एंड 4 डन। एंड हम इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे, कटी हुई चॉप्ड प्याज, थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा इससे। और आप नहीं खाना चाहते हो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार ही लीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करके गूंद लेंगे। पहले हम इसको ड्राई ही मिक्स करेंगे। जब ये सारा ड्राई मिक्स हो जाएगा तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से ड्राई मिक्स कर रहे हैं। जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, ड्राई या अनियंस वगैरह, सब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। सो गाइस, अच्छे से ड्राई मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के गूंदेंगे। और थोड़ा ही थोड़ा पानी डालना है इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेथी होती है इसमें अपना पानी होता है। जब आप इसको नीट कर लेंगे उसके बाद ही अपना पानी रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। फिर आपका आटा जो है ना गीला हो जाएगा, फिर आपसे ये हैंडल नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रेस्ट करने रख देते हैं। तो गाइस, ये हमने जो इतना भी पूरा आटा नीट किया है, ये हमने 1 कप पानी लिया था, इसमें से ये इतना पानी बचा हुआ है। तो आप मैं आपको रेशियो बता रही हूँ। 1/2 kg हमारी ये मेथी है और 4 कप आटा है और 1 कप पानी लिया था, उसमें से इतना बचा हुआ है। तो इसी हिसाब से आप भी अपना रेशियो रख के आटा नीट कर लीजिए। तो ये हमारा आटा नीट हो चुका है। हमने इसमें 1 ड्रॉप भी ऑयल नहीं डाला है। तो आप सोच सकते हैं इतना हेल्दी है ये। अभी हम इसको नीट करके रख देंगे, बस ये नीट हो गया है। सो गाइस, हमारा आटा नीट हो गया। हम इसको देखिए कितना सॉफ्ट है। हम इसको 1 से 1.5 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसके अच्छे टेस्टी पराठे बनाएंगे। तो गाइस, जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे पराठे की। सो गाइस, ये घिसी हुई गोभी है, हमने सारी घिस ली है। हम इसको स्टफिंग में यूज़ करेंगे। हमने पैन ले लिया, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून के आसपास, 1 टीस्पून अजवाइन। इसको हम थोड़ा चटकने देंगे इसी में। तो गाइस, ये हमारे चार पांच हरी मिर्चें, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें गोभी। अब हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे, लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो गाइज, ये पनीर है, इसको हमने क्रश कर लिया हाथों से अच्छे से। तो गाइज, ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारी गोभी गलने वाली है। अब इससे पहले हम इस पर थोड़ा सा पनीर डाल देंगे क्रश करके। इसको भी इसी के साथ थोड़ा सा भुनने देंगे हम। थोड़ी सी हरी धनिया है हमारी, आधा कप के आसपास। तो गाइज, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो गाइज, हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे।
सो गाइस ये हमारा डो रेस्ट कर चुका है 1 से 1.5 घंटा और हम इसके पराठे बनाएंगे बढ़िया टेस्टी एंड हेल्दी। सो गाइस हम इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे, हाथ में इसे डस्टिंग करके और निकाल के छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। सो गाइस इसमें एक कटोरी सी बना के इसमें हम अपना ये स्टफिंग भर देंगे, अच्छे ज़्यादा से स्टफिंग यानी कि 1 टेबल स्पून तक हमें इसमें स्टफिंग डालनी है और इसको बंद कर देना है चारों तरफ से अच्छे से। बंद कर देना अच्छे से और जो ये बचा हुआ है इसको इसी में हम मोड़ देंगे और ये हमारा रेडी है। इसको हम रख देंगे साइड में एंड अब दूसरा से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हमारे पेड़े रेडी हो गए, हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम तवा चढ़ा देंगे गैस पर, तवा को गर्म होने देंगे जब तक हम अपना पराठा बेल लेते हैं। हम इसके अच्छे से सारे किनारे गैस दबा देंगे ताकि ये किनारे से मोटा ना रह जाए। हम इसको फ्लावर में कोट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। ये रेडी हो गया गाइस, हमारा तवा भी गर्म है। बेल लेंगे गाइस, दूसरा भी हम ऐसे ही बना लेंगे गाइस। सो गाइस ये देखिए, वाओ लुक एट दिस गाइस, कितना अच्छी इसकी स्टफिंग है और इतना बढ़िया लग रहा है ये। ब्रेकफास्ट में इसको ट्राई करना कतई ना भूलें, क्योंकि इसको ट्राई नहीं किया तो क्या किया गाइस, क्योंकि स्टफ भी है और इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ इसमें गोभी पनीर जैसी बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें भी छुपी हुई हैं। आप अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाना चाहते हैं तो इसी तरह से खिलाइए और देसी घी के साथ इसको परोसिए। तो गाइस आप इसको चाय के साथ, अचार के साथ, सब्जी के साथ, किसी के भी साथ खाएंगे और सम लगने वाला है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।